दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। अगले वीक के लिए क्या लेवल टारगेट आ सकते हैं वो बात करना चाहूंगा। साथ ही साथ एक बड़ी न्यूज निकल करके आ रही है जो 5G और 4G के स्पेक्ट्रम थे उसके ऊपर, तो उसके ऊपर भी बड़ी अपडेट आ रही है, तो उसके बारे में भी बताना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज भी करिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैं सिचुएशन दिखाना चाहूंगा। कल यानी कि फ्राइडे की सिचुएशन देखे दोस्तों, 9.85 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई थी, 10 पैसे डाउन बंद हुआ था 1% की मामूली गिरावट के साथ। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया बंद होता हुआ देखने को मिला था। यहाँ पे कारोबार भी देख लेते हैं कि कारोबार की सिचुएशन कैसी थी। इसके लिए मैं दोस्तों आपको NSE की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे कारोबार की डिटेल आपके सामने है। यहाँ पे देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है। जैसे मैंने बताया, क्लोजिंग 9.85 रुपये के आसपास, 10 पैसे डाउन, 1% की गिरावट। प्रीवियस क्लोजिंग की बात कर लेते हैं, 9.95 रुपये। ओपन होता है 9.90 रुपये। हाई बनाया दोस्तों 10.15 रुपये, और लो यहाँ पे 9.70 रुपये दिखाई दे रहा है। फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 9.85 रुपये। यहाँ पे कारोबार कैसा हुआ वो भी बताना चाहूंगा। 20,31,87,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से बात करें 6,56,64,000 शेयर की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है 32.32। तो दोस्तों, यहाँ पे सिचुएशन जो कारोबार की दिखाई दे रही है उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। एज यूजुअल रोज की तरह यहाँ पे धमाकेदार कारोबार की डिटेल हमें नजर आ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से अपने होम पेज पे लेके जाना चाहूंगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि कल मैंने मजेस्को के ऊपर यहाँ पे वीडियो अपलोड किया है, एक बड़ी बल्क डील हुई थी, उसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको इंकरेज करूंगा कि मेरी चैनल को आप विजिट करके ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हो। अगर आपने मजेस्को में डिविडेंड को लेकर के यहाँ पे बाइंग करी है ओनली फॉर डिविडेंड, देन आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी चलेंगे सीधा न्यूज़ पे और न्यूज़ को डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए मैं आपको बिजनेस टुडे की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आप हेडलाइन पढ़ सकते हो, जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया मे हैव टू कॉट अप 15,000 करोड़ फॉर मास स्पेक्ट्रम ऑक्शन। तो दोस्तों, यहाँ पे सरकार ने जैसे पहले बताया था कि स्पेक्ट्रम को यहाँ पे ओपन कर दिया जाएगा ऑक्शन के लिए, तो यहाँ पे जो कंबाइन खर्चा दिखाई दे रहा है, मतलब कि कंबाइन मतलब कि एयरटेल जियो और वोडाफोन का, वो लगभग लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का ऑक्शन में उन लोगों को खर्चा करना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बात करें तो एयरटेल और जियो के लिए तो इतनी ज्यादा समस्या नहीं है, परंतु समस्या वोडाफोन आइडिया को। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि तीनों को कितने कितने अमाउंट यहाँ पे देनी होगी। तो इसके लिए मैं आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके लेना चाहूंगा और यहाँ पे पूरी न्यूज बताने की कोशिश करूंगा। भारतीय एयरटेल जियो एंड वोडाफोन आइडिया विल हैव टू नियरली 15,000 करोड़ रिजर्व प्राइस स्पेक्ट्रम रिन्यूअल इन द अपकमिंग स्पेक्ट्रम ऑक्शन। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मार्च 2021 में यहाँ पे रिन्यू करना पड़ेगा और तीनों को कंबाइन मिला करके 50,000 करोड़ रुपए यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आगे किसको कितना रुपया यहाँ पे देना होगा, मतलब कि कंबाइन तो मैंने बताया कि 50,000 करोड़ के आसपास कॉस्ट बैठ सकती है ये जो स्पेक्ट्रम है वो रिन्यूअल करने के लिए। तो यहाँ पे इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि किसको कितना रुपया पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो यहाँ पे जियो को के पे करनी पड़ेगी, उसकी जो टोटल खर्चा निकल करके आएगा वो 28,000 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरे नंबर पर भारतीय एयरटेल है 12,900 करोड़, और तीसरे नंबर पे वोडाफोन आइडिया है 8,300 करोड़, यहाँ पे रिवर्स प्राइस उसको देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे 50,000 करोड़ में से वोडाफोन आइडिया को कितने रुपये इकट्ठा करने हैं, कितने रुपये पे करने हैं, 8,300 करोड़। तो टोटल यहाँ पे जो निकल करके आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया 50, पर टू बी स्पेसिफिक बोलूँ तो 49,200 करोड़ रुपये टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकल करके आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि अभी ये वोडाफोन आइडिया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मार्च में उसको ऑलरेडी एजीआर ड्यू तो पे करना ही है, 10% ऑफ एजीआर ड्यू, साथ ही साथ ऑक्शन का भी अलग खर्चा है। तो यहाँ पे फंड राइजिंग और या तो फिर जो प्राइस हाइकिंग के ऊपर जो नज़र है वो कहाँ और कैसे कर सकते हैं, मुझे लगता है जल्दी ही हमें प्राइस हाइक देखने को मिल सकती है, जिसके चलते ये जो अलग से एडिशनल 8,300 रुपये का खर्च वोडाफोन आइडिया के ऊपर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको इजिली पा सके। यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि ये स्पेक्ट्रम में यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ऐसी भी है कि ये स्पेक्ट्रम है जो 2G, 3G, 4G और 5G टेक्नोलॉजी के लिए होगा, परंतु यहाँ पे अभी भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो 5G के जो स्पेक्ट्रम है उसको रिन्यू नहीं करेंगे। हालांकि जियो के मालिक मुकेश अंबानी जी ने ऑलरेडी हिंट दे दी थी कि वो 5G नेक्स्ट
5G की सर्विस नेक्स्ट ईयर में लॉन्च करेंगे अर्ली, तो यहाँ पे हो सकता है कि 700 मेगावाट स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पे जो कि 5G के लिए यूज होने वाला है वो यहाँ पे जियो रिन्यू करेगा, परंतु ये जो स्पेक्ट्रम का चार्ज है वो अपने में बहुत ज़्यादा है ऐसा भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखना होगा कि जियो 5G का स्पेक्ट्रम को रिन्यू करता है कि नहीं, बाकी अभी तक तो वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल रिन्यू करेंगे ऐसी कोई भी खबर नहीं आ रही है। तो अभी के लिए तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि 2G 3G 4G के लिए जो स्पेक्ट्रम रिन्यू करने हैं उसमें तीनों करेंगे, बाकी 5G का जियो अलग से कर सकता है ऐसी यहाँ पे बातें निकल करके आ रही है। तो मुझे लगता है देखने वाली बात होगी कि 8,300 करोड़ रुपए जो वोडाफोन आइडिया को पे करने हैं वो यहाँ पे वो कैसे बंदोबस्त करते हैं, मुझे लगता है जल्दी ही या तो फिर बाहर से कोई इन्वेस्टर के माध्यम से पैसे जुटा सकते हैं या तो फिर जो टैरिफ हाइक के लिए जो न्यूज़ बवर कर रही है बाजार में वो यहाँ पे हमें जल्द ही देखने को मिल सकती है। तो ऐसा दोनों में से कुछ भी होता है तो वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबर होगी और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में भागने की कोशिश कर सकता है। मुझे लगता है जो टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट वीक में वो 12 के ऊपर का दिखाई दे रहा है, तो वो तो मैं आपको चार्ट पे जाके बताने वाला हूँ। तो सीधा मैं आपको ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहूँगा और वहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी वो बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके आपको आया हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया का चार्ट खोल के रखा है, लेवल ऑलरेडी आइडेंटिफाई है, हम स्विंग ट्रेड के लिए बात कर रहे थे। एक आवर की टाइम फ्रेम पे मैं आपको एनालिसिस करके दिखाने की कोशिश करूँगा। मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे भारी गिरावट चली थी, उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद बढ़िया तेज़ी, उसके बाद थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट और फाइनली उसने एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट करी थी और उसके ऊपर सस्टेन अभी थोड़ा रेंज बाउंड जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जो पैटर्न जिस तरह का बन रहा है यहाँ पे वो अपने आप में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं 9.85 रुपये के आसपास जैसे कि मैंने बताया था उसकी क्लोजिंग हुई थी। तो ऊपर की तरफ जो मेन हर्डल अभी बना हुआ है वो 10.70 से 10.75 रुपये के आसपास है, यहाँ पे एक बार जाने की कोशिश की थी फिर गिरावट, यहाँ पे दूसरी बार अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी फिर से गिरावट। अभी ये अगर 10.75 रुपये को अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बार बार किसी भी रेजिस्टेंस को कोई भी शेयर टच करता है तो रेजिस्टेंस अपने आप में वीक बन जाता है और थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो रेजिस्टेंस टूट सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे 10.75 रुपये जो कि मेजर रेजिस्टेंस है अभी वोडाफोन आइडिया के लिए वो तोड़ने में अगर कामयाब रहता है तो सीधा फिर तो 11.70 रुपये और 12.25 रुपये नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों 20 से 25% का गेन हमें मुझे लगता है नज़दीक के दिनों में यहाँ पे वोडाफोन आइडिया हमें दे सकता है। तो जिस किसी ने भी माल लेकर के रखा हो या तो फिर लेना चाहता है उसके लिए मुझे लगता है बहुत बढ़िया मौका है यहाँ पे 20 से 25% तक का मुनाफा शॉर्ट टर्म में पाने के लिए। यहाँ पे नीचे की तरफ बात करें तो 9.5 रुपये के आसपास का जो लेवल है, 9.45 रुपये से लेकर 9.55 रुपये के आसपास का जो लेवल है वो अभी अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। उसका कारण यह है कि दोस्तों उसने काफी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना किया था, यहाँ पे और एक बार, उसके बाद यहाँ पे भी, अभी जो इसके बाद जो गिरावट हुई थी तो यहाँ पे ही संभला था 9.45 रुपये के आसपास, मतलब कि 9.5 के आसपास। तो अभी एल लेवल के ऊपर जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जब तक इसके ऊपर है तब तक आपको बिल्कुल भी बेरिश नहीं होना है, एकदम बुलिश यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की टेरिटरी है 9.5 के ऊपर। तो दोस्तों करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 9.45 रुपये के आसपास, फर्स्ट टारगेट आपका 10.75 रुपये और 11.70 रुपये और 12.25 रुपये तक मुझे लगता है मिल सकता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, नीचे और गिरा तो 9 रुपये के आसपास भी बहुत बड़ा बेस बन चुका है, यहाँ पे भी संभलने की कोशिश कर सकता है। मुझे लगता है नीचे की तरफ 9 रुपये जो सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 12.25 रुपये तक के टारगेट नेक्स्ट वीक में हमें दिखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है वोडाफोन आइडिया में और यहाँ पे पैसा बनाने में, जैसे मैंने बताया कि 20 से 25% का मुनाफा आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। RSI का लेवल बताना चाहूंगा 44.43, तो RSI का लेवल भी अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगा अपनी स्टडी यहाँ पे कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इंट्राडे कॉल्स, स्विंग ट्रेडिंग के कॉल्स और शेयर बाजार के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। साथ ही साथ बताना चाहूंगा जिस किसी ने ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है वो मेरी लिंक से अगर अकाउंट ओपन करता है तो मेरी तरफ से उसको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे, मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें मैं उनको एंट्री दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस।